अगर आप भी YouTube और Facebook से पैसे कमाना चाहते हो तो यहाँ पर अधिकतर लोग एक ही गलती करते हैं कि वो अपने लिए सही निश को सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं और यहीं पर उनका नुकसान हो जाता है और यहीं पर उनका घाटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको टॉप ऐसे 15 निश बताऊंगा जिसकी वीडियोज पर आज व्यूज आएंगे तो आज से 10 साल के बाद भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि निश आपके लिए क्यों जरूरी होता है और क्यों आपको ये निश को डिसाइड करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि निश आपके लिए क्यों जरूरी होता है। एक निश को डिसाइड करने से आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है ना, और जिसको भी आपका कंटेंट पसंद आता है, आपका वीडियो पसंद आता है, वो आपकी वीडियो को देखते हैं हमेशा रेगुलर। इससे क्या होता है कि आपका यूट्यूब चैनल या फिर आपका फेसबुक का पेज ग्रो होने के चांसेस 100% तक बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है ब्रांड। एक निश को चुनने से आप अपने चैनल को ब्रांड में तब्दील कर सकते हैं, उसको ब्रांड बना सकते हैं, या फिर आपका फेसबुक का पेज हो या फिर आपका यूट्यूब चैनल। एग्जाम्पल के लिए कि आप अपने किसी निश को चुन लेते हैं, उस पर आप वीडियोस बनाते हैं डेली रेगुलर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जिसको भी, जिस भी यूजर को, जिस भी सब्सक्राइबर को या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान को आपका वीडियोस पसंद आता है, ठीक है ना, तो वो जाते हैं यूट्यूब पर और जाते हैं फेसबुक पर, आपके नाम को सर्च करते हैं। नाम को सर्च करने के बाद वो आपके चैनल तक पहुंचते हैं और आपके पेज तक पहुंचते हैं। इसलिए ये फायदा होता है एक निश को डिसाइड करने का कि आप वहां पर अपने ब्रांड को बिल्ड करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होता है कि हमारा फेसबुक का पेज या फिर हमारा यूट्यूब चैनल तेजी से ग्रो होता है। ठीक है ना, अगर हम एक निश को डिसाइड करते हैं तो यहाँ पर हम कई तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहला, हम एडवर्टाइजमेंट से कमा सकते हैं। दूसरा, हम स्पॉन्सर से कमा सकते हैं। तीसरा, हम अफिलिएट से कमा सकते हैं। चौथा, अगर हमने अपने चैनल को या फिर पेज को ब्रांड बना दिया, हम कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च करते हैं ना तो लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और यहाँ पर हम कामयाब हो जाते हैं और हमारा प्रोडक्ट वहां पर सेल हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो अगर आप एक निश पर काम करते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी चैनल को शुरू कर रहे हो, कोई भी पेज को शुरू कर रहे हो, तो वहां पर आपको उसी निश पर काम करना है जिसमें कि आपको इंटरेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। आपको बताता हूं आज के टॉप 15 ऐसे कंटेंट के बारे में जो कि एवरग्रीन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो भी मैं आपको निश बताने वाला हूँ, जो भी मैं आपको कैटेगरी बताने वाला हूँ, तो साइड में एक स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा जिससे कि देख करके आपको कुछ आइडिया मिल जाए, आपको काम करने में आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा पहला निश होगा दोस्तों सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब ये सुन करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, मतलब अपने आप को बदलना, अपने आप को चेंज करना, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, अपना एक चैनल बना सकते हो, अपना एक पेज बना सकते हो। ठीक है ना, और गूगल से आइडिया ले सकते हो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कोट हमें चाहिए, फिर स्टोरी चाहिए, तो ऐसा चैनल आप अपने लिए बना सकते हो। देखो, हर इंसान को टेंशन होती है, ठीक है ना, हर इंसान को अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होता है। ठीक है ना, कि हम इस तरीके से खाते हैं, इस तरीके से पीते हैं, इस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से हमें पैसा कमाना है। ठीक है ना, मतलब अपने आप को डेवलप करना हर इंसान चाहता है। तो ठीक है ना, तो अगर आपको इस निश में इंटरेस्ट है तो आप अपने लिए एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चैनल को बना सकते हैं और इससे लाइफ टाइम की अर्निंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दूसरा कंटेंट आइडिया होगा हॉरर स्टोरी। अब ये नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि भूतों वाला स्टोरी। ठीक है ना, पहले के जमाने में दादी नानी आपको कहानियां सुनाती थी, लेकिन आज के जमाने में क्रिएटर और यूट्यूब आपको कहानियां सुनाती है। और ऐसे जो कंटेंट होते हैं, ऐसे जो चैनल होते हैं ना, वो काफी ज्यादा चलते हैं। साइड में जो भी मैं आइडिया आपको बताऊंगा उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि आपको वहां से आइडिया मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप स्टोरी बना सकते हो। स्टोरी आप कहां से ले सकते हो, आप गूगल से ले सकते हो, चैट जीपीटी से ले सकते हो, एआई से बनवा सकते हो, और ऐसा बना करके अपना स्क्रिप्ट को रेडी कर सकते हो, उसमें वॉइस ओवर दे सकते हो। वॉइस ओवर अगर आपको देना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एआई से भी दे सकते हो। और ये चैनल तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ऐसा चैनल को आज स्टार्ट किया तो एक महीने के बाद देखना आपका चैनल कहां से कहां चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसे चैनल पर लाइफ टाइम तक व्यूज आते हैं क्योंकि स्टोरी सुनना सभी को पसंद आता है। उसके बाद तीसरे नंबर का हमारा कंटेंट आइडिया होगा हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, हेल्थ एंड फिटनेस। आज के जमाने में लोगों को मतलब प्रॉब्लम ज्यादा है, डिप्रेशन ज्यादा है, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अपने हेल्थ पर नहीं देखभाल कर पाते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आप बॉडी बिल्डर है, जिम वगैरह जाते हैं, ठीक है ना, तो आप अपने लिए एक ऐसा चैनल बना सकते हैं जिसमें आप हेल्थ टिप्स दे सकते हैं। ठीक है ना, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको खुद भी नॉलेज है
ठीक है ना, गूगल से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज दे रहा है उन सब चीजों पर बात कर सकते हैं, जिम के प्रोडक्ट को आप मतलब यहाँ पर अफिलिएट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आइडियाज इसमें मिल जाएंगे आपको अगर आप ये चैनल बनाते हो हेल्थ एंड फिटनेस वाला, ठीक है ना। बॉडी किस तरीके से बनाते हैं, शेप किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना, मसल्स किस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से आप मतलब आइडियाज दे सकते हो लोगों को और लोगों को बता सकते हो कि भाई क्या चीज आपको करना चाहिए, योगा किस तरीके से करना चाहिए, सुबह में कसरत किस तरीके से करना चाहिए, जिम में आपको क्या करना चाहिए, मतलब ऐसे बहुत सारे आपको आइडियाज मिल जाएंगे जो आप इसमें बता सकते हो, ठीक है ना। और इसमें अनलिमिटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा, यूट्यूब से खुद ही मिल जाएगा, ठीक है ना, एआई से मिल जाएगा, लेकिन जो भी आप कंटेंट बनाओगे इसमें तो बिल्कुल सीरियसली होकर बनाना अगर आपको इसमें नॉलेज है, क्यों, क्योंकि सवाल यहाँ पर हेल्थ का आ जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चौथा कंटेंट आइडिया होगा हमारा ऑनलाइन अर्निंग। ये ऐसा कंटेंट आइडिया होगा कि हम लोगों को बताते हैं कि वो पैसा कैसे कमाएं, उससे हम पैसा कमाते हैं, ठीक है ना, मतलब बता करके हम भी पैसा कमाते हैं और वो भी पैसा कमाते हैं। तो अगर आपको भी इसमें इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज है, ठीक है ना, आप हर तरह का एप्लीकेशन को यूज करते हैं, वेबसाइट का यूज करते हैं, तो आप अपने एक चैनल को बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं और उसमें लोगों को बता सकते हैं भाई पैसा कैसे कमाया जाए आज के दौर में, आज की महंगाई में पैसा कैसे कमाया जाए। एप्लीकेशन का रिव्यू कर सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता सकते हो, ठीक है ना, वेब डेवलपर के बारे में बता सकते हो। तो अगर आपको इसमें नॉलेज है, इंटरेस्ट है, तो आप अपने लिए ऐसा चैनल बना सकते हो और उससे लाइफ टाइम तक और हाई इसमें आरपीएम आपको मिलता है और लाइफ टाइम तक इससे अर्निंग को आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब पांचवा हमारा कंटेंट आइडिया होगा दोस्तों एंटरटेनमेंट। अब ये नाम से आपको पता चलता होगा कि क्या है एंटरटेनमेंट, मतलब हंसी मजाक। अब इसमें आप क्या बना सकते हो वो आप जान लो, साइड में मैं स्क्रीन शॉट दूंगा, उसको बिल्कुल ध्यान से देखना ताकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, जाओ यूट्यूब पर, जाओ पिंटरेस्ट पर, ठीक है ना, यहां से आप छोटी छोटी क्लिप्स को जो एंटरटेनमेंट क्लिप होती है ना, कॉमेडी क्लिप, हंसी मजाक वाली क्लिप, उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद मतलब पांच छह क्लिप्स को डाउनलोड करने के बाद उसको जाओ एडिटिंग एप्लीकेशन में सबको मर्ज कर दो, उसकी आवाज को बंद कर दो। उसकी आवाज को बंद करने के बाद हम अपनी आवाज को वहां पर डालेंगे, कमेंट्री करेंगे, ठीक है ना, वीडियो में जो जो मोमेंट हो रहा है ना उसी को हम अपने आवाज में अपने लोगों में जो बोलेंगे, ताकि लोगों को सुनने में भी अच्छा लगे और वीडियो देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ ऐसी चीज है जो आप बना सकते हो, लोगों को बता सकते हो, तो आप अपने लिए एक ऐसा कॉपी पेस्ट एंटरटेनमेंट चैनल बना सकते हो और ये ओरिजिनल होगा, ठीक है ना, इसमें कोई रियूज कंटेंट नहीं आएगा और कोई पॉलिसी वर्सन भी नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद छठा कंटेंट आइडिया होगा हमारा फैक्ट वाला शो, ठीक है ना। अब ये नाम सुन करके आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, फिर नहीं भी आएगा, हो सकता है किसी के आ जाए कि भाई साहब फैक्ट में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। देखो कंपटीशन किस चीज में नहीं है, हर चीज में कंपटीशन है और ये एक ऐसा निश है, ये एक ऐसा कैटेगरी है जो कि आज से 10 साल पीछे भी इतना ही चल रहा था, 10 साल पहले भी इतना ही चलेगा, आज भी इतना चल रहा था और 10 साल के बाद भी इतना ही ये चलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगता है, आज जो आप मतलब यूट्यूब में वीडियो को देख रहे हो तो आप ही देखोगे खाली, जो बच्चे पैदा होंगे वो नहीं देखेंगे, उसको भी शॉर्ट देखना है, उसको भी जानना है कि इफेक्ट में ये चीज क्या होता है, ठीक है ना, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ठीक है ना। तो आजकल सभी को ये जानना है, तो इसीलिए अगर आप भी अपना एक ऐसा चैनल बना सकते हो तो बना दो, ठीक है ना। इसमें कंटेंट की कमी आपको कभी भी नहीं होगा, आप एआई से जनरेट करवाओ, गूगल से ले लो, यूट्यूब से ले लो, इंस्टाग्राम से ले लो, पिंटरेस्ट से ले लो, मतलब दुनिया भर के कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से लोग बना रहे हैं आपको कुछ अलग इसमें डिफरेंस बनाना है। आपको लॉन्ग वीडियोस में बना सकते हो, शॉर्ट बना सकते हो, ये दोनों आप इसमें बना सकते हो, ठीक है ना। और ऐसे चैनल पर भर भर के व्यूज आता है, क्योंकि भाई इसमें हमें कुछ सीखने को मिल रहा है ना, ये एजुकेशन है। जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी यूट्यूब पर आएंगे, वो भी सीखने के लिए आएंगे, इसीलिए आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप एक फैक्ट वाला चैनल को क्रिएट कर सकते हो, इससे लाइफ टाइम की अर्निंग आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब सातवां हमारा कंटेंट आइडिया होगा हिस्टोरिकल एआई स्टोरी। अब ये हिस्टोरिकल स्टोरी क्या होता है, मान लो कि बहुत सारी ऐसी घटना होती है जो हिस्ट्री में घटी है, ठीक है ना। अब ये हर किसी को पता नहीं है ना, आजकल जितने भी ऐसे चैनल बन रहे हैं जो हिस्ट्री पे है वो चैनल तेजी से ग्रो करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये जो चैनल आइडिया है ये एवरग्रीन आइडिया है, आज भी चलेगा और आज से 50 साल के बाद भी चलेगा, 20 साल के बाद भी चलेगा। मेरा मतलब है कि जब तक आपका चैनल बाकी रहेगा तब तक आपके वीडियोस पर व्यूज आता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पे जा सकते हो, ठीक है ना, यूट्यूब पे जा सकते हो, हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हो, ठीक है ना, दुनिया की हिस्ट्री ले सकते हो, अपने राज्य की हिस्ट्री ले सकते हो, अपने देश का हिस्ट्री ले सकते हो, ठीक है ना, कि पुराने जमाने में क्या क्या हुआ नहीं हुआ, आज से 100 साल पहले क्या हुआ था नहीं हुआ था, मतलब कोई एक टॉपिक को पकड़ लेना। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप यहां से जाकर के सीख सकते हो। इस तरीके से अगर आप भी हिस्ट्री को पढ़े हो, स्टूडेंट थे पिछले,
टाइम में आपने हिस्ट्री को पढ़ा है तो आप भी अपने लिए एक हिस्ट्री के चैनल को बना सकते हो। यहाँ पर आप चाहे खुद से वॉइस ओवर दे दो, चाहे आप एआई से वॉइस ओवर करवा दो, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपको एक अच्छा सा स्क्रिप्ट को बनाना होगा स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलना शुरू कर दिए, नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप मतलब स्क्रिप्ट को बनाना, रेडी करना, उसके बाद उसमें वॉइस ओवर करना, एडिटिंग एप्लीकेशन में जाकर के उसको अच्छे से एडिट करना, ठीक है ना। जिस फोटो की जरूरत पड़ती है आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो और पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ऐसा एक चैनल बना लो, इसमें आप लाइफ टाइम तक अर्निंग कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में चैनल बनाना, काफी ज्यादा इसमें आपको ग्रोथ मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आठवां हमारा कंटेंट आइडिया होगा बिजनेस केस स्टडी। अब ये क्या होता है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो लोगों ने जीरो से शुरू किया था और करोड़ों तक पहुंचा दिए, ऐसे बहुत सारे आपको गूगल में मिल जाएंगे, ठीक है ना, न्यूज वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो कंपनी होती है बड़ी बड़ी, ठीक है ना, उनके बारे में रिसर्च करो और उनके बारे में लोगों को बताओ कि भाई ये कंपनी क्या थी, किस तरीके से इन्होंने काम किया, किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग किया, ठीक है ना, कैसे शुरू हुआ था, किस तरीके से ग्रो हुआ था, ठीक है ना, किस तरीके से लॉस में जा रही थी, किस तरीके से प्रॉफिट में आई, इनकी मतलब स्ट्रेटजी क्या है, मतलब किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से हमें करना चाहिए, मतलब ऐसा एक केस स्टडी बना सकते हो। अब इससे डबल आपका फायदा होगा, एक फायदा तो ये होगा इसमें आपको स्पॉन्सर अच्छा मिलेगा, ठीक है ना, और दूसरा फायदा ये होगा कि लोगों को जो आजकल जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो लोग आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो हर किसी बेस में, हर किसी चीज में कोई अगर वहां पर फेल होता है तो दूसरे को सीखने को मिलता है कि आखिर वो फेल क्यों हुआ, अगर वो फेल हुआ तो मैं फेल नहीं होना चाहता हूं। इसीलिए जो केस स्टडी होती है ना, इससे लोगों को काफी कुछ नॉलेज भी मिलता है, ठीक है ना, मतलब जिंदगी में ग्रो करने का, कामयाब इंसान बनने का मौका भी मिलता है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है लोगों के बारे में जानना, बिजनेस के बारे में जानना, मतलब लोगों के बारे में जान करके उनकी पूरी कुंडली निकालना, अगर आपको रिसर्च करना अच्छा लगता है ना, तो मेरे दोस्त बिल्कुल भी मौका मत गवाइए, आज ही अपने लिए एक ऐसा चैनल को बना सकते हो। और इस चैनल पर आज व्यूज आते हैं, आज से 20 साल के बाद व्यूज आएगा अगर आपका चैनल बाकी रहा तो, ठीक है दोस्तों। नौवां हमारा कंटेंट आने होगा दोस्तों एस्ट्रोलॉजी। अब ये क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाथ दिखा आज का तेरा राशि देखता हूँ तेरा दिन कैसा बीतेगा, इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना, मतलब राशि देखना, रेखा देखना। जिस तरीके से बहुत सारे लोग आज भी हैं, जैसे पेपर आते हैं वो बस पेपर खोलेंगे और राशि देखेंगे, आज का मेरा दिन तो अच्छा जाएगा ना, अब उनको लग गया क्या है, मेरा राशि मैच कर गया और आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा, चाहे ना जाए लेकिन उसके माइंड में ये घुस गया कि आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। पहले लोग, पंडित लोग करते थे मंदिरों में बैठ करके, लेकिन अब एआई का जमाना आ गया, ऑनलाइन डिजिटल का जमाना आ गया, अब यूट्यूब पर लोग ट्रांसफर हो गए, शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। तो अगर आपको रेखाएं के बारे में, जन्म कुंडली के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में इंटरेस्ट है, ठीक है ना, आपको जानना अच्छा लगता है, आपको सुनना अच्छा लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप अपने लिए एक ऐसा चैनल को बना सकते हो। इसमें आपको फेस दिखाने की जरूरत नहीं है, जी नहीं, आप बस स्क्रिप्ट रेडी करो सारे राशि का, ठीक है ना, बस उसमें वॉइस ओवर कर दो, फोटो वहां से चिपका दो, बस हर दिन आपको वीडियो अपलोड करना है, ठीक है ना, हर दिन सुबह सुबह वीडियो आपको रात को रेडी करना है और सुबह उसको अपलोड कर देना है, ठीक है दोस्तों। और ये चैनल ऐसा है जो कि लाइफ टाइम तक एवरग्रीन, आपको पता है ना कि लोग ये चीज को जानना ज्यादा मतलब पसंद कर रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इसमें विश्वास करते हैं, इसमें बिलीव करते हैं, तो मौका बिल्कुल हाथ से मत गवाइए, ठीक है ना। आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, इनसे रेफरेंस लीजिए और आज ही अपने लिए एक नया चैनल को स्टार्ट कर दीजिए और लाइफ टाइम तक आप इस अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दसवां हमारा कंटेंट आइडिया होगा मोटिवेशनल कोट्स वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको हजारों कंटेंट मिल जाएंगे, लेकिन हजार में से आप भी अगर शुरू करते हो तो वहां पर आप कभी चल पड़ेगा। और ये ऐसा आइडिया है ना मेरे दोस्तों, इसमें हाई आरपीएम भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हाई आरपीएम मतलब अगर किसी और कैटेगरी में 1000 व्यूज पर $1 बनते हैं तो इस कैटेगरी में 1000 व्यूज पर $5 तक इसमें मिल सकते हैं, ठीक है ना। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये रियलिटी है और सच्चाई है मेरे दोस्त। तो आप अपने लिए एक ऐसा चैनल बना सकते हो, लेकिन यहां पर आपको बोलना अच्छा लगता है, बोलना पसंद है, लोगों को आप बता सकते हो, लोगों को आप कुछ सुनाते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में आप बोलते हो ना, लोगों को मोटिवेट करते हो, ठीक है ना, लोग आपकी बातों को सुनते हैं, सुनकर अमल करते हैं, अच्छा लगता है, तो आप अपने लिए मोटिवेशनल चैनल को खोल सकते हो, ठीक है ना, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। और मोटिवेशनल आपको गूगल में भर भर के मिल जाएगा, एआई से आप जन करवा सकते हो, ठीक है ना, और उसमें अगर आप चाहो तो खुद का भी वॉइस दे सकते हो, और नहीं चाहते हो खुद का वॉइस देना तो एआई का भी वॉइस को जनरेट करवा सकते हो, ठीक है दोस्तों।
और जो भी मैं आपको चैनल आइडियाज बताऊंगा इसमें से कोई भी आइडियाज आपको पसंद आता है और उस पर वीडियो बनाना आप नहीं जानते हो तो कमेंट करना, उस पर एक सेपरेट वीडियो को लेकर के आ जाऊंगा जिससे कि आपको आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 11वां हमारा कंटेंट आइडिया होगा न्यूज वीडियो। अब न्यूज वीडियो सुन करके आप घबरा मत जाना कि भैया यहाँ तो बड़े बड़े चैनल फन्ने कहाँ पड़े हैं और गूगल में जाओगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी साइट पड़ी है तो मैं कहाँ पर इसमें घुस पाऊंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो हर चीज में कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है, ठीक है ना, लेकिन हमारे दिमाग से अगर सोचते हैं तो हम रास्ता निकल पाते हैं, अगर मोटे दिमाग सोचेंगे तो रास्ता हम कभी भी नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ पर न्यूज आपको कैसा बनाना है, अब यहाँ पर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हो, किसी जिले में आप रहते हो, किसी कस्बे मोहल्ले में आप रहते हो, तो आपको अपने जिले को टारगेट करना है। आप पूरे राज्य को टारगेट मत करो, पूरे स्टेट को टारगेट मत करो, अपने सिर्फ जिले को टारगेट करो, है ना। हर जिले में कम से कम 100 गांव तो आ ही जाता है, मिनिमम 100 गांव आते थे ना बराबर, तो उन 100 गांव में कितने घटना घटती होगी, कितने मतलब चीजें होती होंगी आपको पता होगा ना। अगर एक गांव से भी आप शुरू करते हो ना जिंदगी भर आपका कंटेंट खत्म नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने लिए एक ऐसा चैनल बना सकते हो इसमें आप लोकल न्यूज दे सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, आप लोकल बंदे को टारगेट करोगे, लोकल बंदे को, जो भी आपके जिले में जितने भी गांव है ना उस गांव में जितने बंदे होंगे सबको आपका वीडियोस देखना पसंद है। क्यों, क्योंकि भैया वो उनसे रिलेट कर रहा है ना, मतलब जिस गाँव को मैं जानता हूँ, एग्जाम्पल के लिए आप सोचो दिमाग से कि जिस गाँव को आप जानते हो और उसी गाँव की बात आपको वीडियोज में देखने को मिल जाए, आप एक मिनट के लिए रुक जाओगे, 110% आप सोच के देखो रुक जाओगे। इसीलिए आप टारगेट छोटे से करो, ठीक है ना, अपने एरिया को कवर करो। इस तरीके से आपको गूगल में भी इसका न्यूज मिल जाएगा, ठीक है ना, दैनिक जागरण में मिल जाएगा, भास्कर में मिल जाएगा, आप अपने जिले को सर्च करो, उसके गांव को सर्च करो, वहां पर आपको न्यूज मिल जाएगा, उनके न्यूज को कॉपी करो, अपने हिसाब से बनाओ और वीडियो बना करके डाल दो। और ऐसे करके अगर आपका चैनल बड़ा हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, एक बंदे को हायर कर सकते हो सैलरी के बेस पर, उसको एक बाइक दो और बोलो कि भाई आज पूरे गाँव में तुमको घूमना है इस गाँव में और देखो कि वहां पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। आपका चैनल अगर बड़ा हो जाता है एक माइक खरीद लो, 10-20 हज़ार रुपये का माइक आ जाएगा, क्योंकि अगर पैसा आने लगता है तो इन्वेस्ट करने में दिक्कत नहीं होती है, उस माइक पर अपना यूट्यूब का लोगो लगा दो, एक मतलब ब्रांड लगा दो, ठीक है ना, उसको मतलब हाथ में थमा दो और बाइक पर भी लिख दो या आप मतलब किस चैनल से रिलेटेड करते हो या फिर आप न्यूज रिपोर्टर हो, बाइक पर लिख दो, मतलब अगर आपके पास कार है तो आप कार पर लिख सकते हो, बाइक है तो बाइक पर लिख सकते हो, ताकि लोगों को पता चले कि आप कौन हो, आप क्या करने यहाँ पर आए हो, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास हर दिन न्यूज आएगा और हर दिन आप वीडियो को बना पाओगे। ठीक है दोस्तों, एक निश्चित काम करो, 100% इसमें आपको ग्रोथ मिलेगा और लाइफ टाइम तक इससे आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है ना। 12वां हमारा कंटेंट आइडिया होगा मूवी एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। मूवी को ले लो, वेब सीरीज को ले लो, सीरियल को ले लो, कॉमेडी वीडियोस को ले लो, आजकल तो नेटफ्लिक्स पर आ रहे हैं, ठीक है ना, या आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा या फिर आपको फेसबुक पर मिल जाएगा, मतलब ऐसे बहुत सारी मूवीज है, वेब सीरीज है, बहुत सारी मूवीज जो रिलीज होने वाली होती है उनके बारे में पहले ही मतलब न्यूज में आ जाता है, पेपर में आ जाता है, उनको आप उठाओ, स्क्रिप्ट बनाओ और वीडियो बना करके डाल दो। और ऐसा एक्सप्लेनेशन चैनल बहुत जल्द चलते हैं, आप किसी भी मूवी को ले लो, ठीक है ना, उस मूवी को लेने के बाद उस मूवी को देखो, उसमें जो भी कुछ हो रहा है बस अपने हिसाब से उसको लिख दो, स्क्रिप्ट बना लो। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो जाओ गूगल में, ठीक है ना, गूगल में जाने के बाद उस मूवी के बारे में सर्च करो, सर्च कर लिया, बहुत सारे ऐसे साइट हैं जो डीप एक्सप्लेन कर रहे हैं वहां पर, उनको उठाओ, उसमें चेंजिंग करो, चेंजिंग करने के बाद आप उस मूवीज का फोटोज वीडियोस, ठीक है ना, या फिर गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हो, कहीं पर फोटो लगा देना, कहीं पर वीडियोज लगा देना, कहीं पर क्लिप लगा देना, ठीक है ना, इस तरीके से आप सबको जोड़ करके मूवी एक्सप्लेन का चैनल को बना सकते हो, ठीक है ना। जिस भी कंटेंट को अगर आपको समझ में नहीं आता है आप बता देना, उस पर एक्सप्लेन वीडियो बना दूंगा फुल ट्यूटोरियल के साथ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको मूवी में इंटरेस्ट है, वेब सीरीज में इंटरेस्ट है, सीरियल देखना अच्छा लगता है, तो आप अपने लिए एक मूवी एक्सप्लेन चैनल को क्रिएट कर सकते हो, लाइफ टाइम तक इसमें व्यूज है और लाइफ टाइम तक इससे आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब 13वां हमारा कंटेंट आ जाएगा दोस्तों कल्चर हिस्ट्री। अब ये क्या चीज है, देखो हमारे देश में मल्टीपल धर्म के लोग रहते हैं, मल्टीपल रिलीजन के लोग रहते हैं और हर धर्म में हर रिलीजन में अपना अपना एक कल्चर होता है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, जिसको आप मानते हो, ठीक है ना, अगर आपको पता है कि भाई इस धर्म में हमारा ये कल्चर चलता है, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उसी के ऊपर एक चैनल बनाओ। ऐसा नहीं है कि
यहाँ पर आप हिंदूज को भी ले लिए, मुस्लिम्स को भी ले लिए, ठीक है ना, क्रिश्चियन को भी ले लिए, सबको आपस में ले लिया। ऐसा नहीं किसी एक पर लेके जाओ। अगर आप किसी एक पर लेकर के जाओगे तो वहां पर क्या होगा, आपको कंटेंट बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में पहले से जानकारी रखते हो, ठीक है ना। इसीलिए चाहे अगर आप हिंदू हो तो आप हिंदू कल्चर के बारे में बताओ, अगर आप मुसलमान हो इस्लामिक कल्चर के बारे में बताओ, ठीक है ना, ईसाई हो ईसाई कल्चर के बारे में बताओ। मतलब अपने ही आपको प्रमोट करना, अपने ही रिलीजन को प्रमोट करो, अपने धर्म को प्रमोट करो यहाँ पर, ठीक है ना। इससे आपको एक मतलब ऐसी ऑडियंस मिलेगी जो उसी को फॉलो करती है। कोई यहाँ पर दूसरा कंटेंट को अपलोड मत करना। एक दिशा में जा रहे हो तो एक ही दिशा में जाओ, और ये ऐसा कंटेंट आइडिया होगा जो कि एवरग्रीन लाइफ टाइम तक, क्योंकि धर्म कभी खत्म नहीं होता है और रिलीजन कभी खत्म नहीं होता है, ये बढ़ोतरा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये पसंद है, रिलीजन में विश्वास रखते हो, ठीक है ना, आपको नॉलेज है, आपको जानकारी है, तो आप अपने लिए एक ऐसा चैनल बना सकते हो और उसे लाइफ टाइम तक एवरग्रीन कंटेंट अपलोड करके लाइफ टाइम तक पैसा कमा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर चौथा हमारा कंटेंट आ रहा होगा दोस्तों, सेलिब्रिटी गॉसिप। अब ये क्या चीज है, देखो बॉलीवुड में ले लो या फिर सीरियल्स में ले लो, ठीक है ना, जो भी वेब सीरीज होते हैं या बॉलीवुड होता है, सब में अपने अपने एक्ट्रेस और एक्ट्रेस होते हैं, ठीक है ना, एक्टर और एक्ट्रेस होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हर किसी की जिंदगी में यहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ऐसा होता है उसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया, वो यहाँ पर जिम करने जा रही है, वो मतलब एयरपोर्ट पर जा रही है, उसको यहाँ दिखा गया, उसको वहाँ दिखा गया, उससे लड़ाई हो गया, उससे झगड़ा हो गया, वो उससे मोहब्बत कर रहा है, वो उससे मतलब कुछ भी कर रहा है, मतलब बहुत सारे चीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कोई कॉफी पी के बाहर निकल रहा है, देखो देखो कॉफी पी के बाहर निकल रहा है, बताओ। कोई होटल से बाहर निकल रहा, देखो देखो होटल से बाहर निकल रहा है। मतलब यहाँ पर बिना फालतू का चीज बहुत ज्यादा है जिससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर मिलेगा, वो है पैसा। जी हाँ दोस्तों, अब जाओ यूट्यूब में और जाओ फेसबुक में, एडिट करके इनको डालो। और वहां पर अगर एक बात आपको खास ख्याल रखना है, अगर आप यहाँ पर सेलिब्रिटी गॉसिप का जो मतलब वीडियोज आप डालते हो ना, यहाँ पर आपको इनकी आवाज को बंद करना होगा और अपना आवाज वहां पर देना होगा, ठीक है ना। इसीलिए ये कंटेंट आपका मोनेटाइज कर सकते हो यूट्यूब में, ठीक है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यूट्यूब में कभी भी आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी आपके साथ हो जाए। इसीलिए ये बहुत अच्छा कंटेंट आइडिया होगा, ठीक है ना, लाइफ टाइम तक इसमें आपको व्यूज आएगा, भर भर के इसमें व्यूज आएगा, ठीक है ना। इसीलिए अगर आप ऐसे चैनल को बनाना चाहते हो, इसमें आपको खुद का वॉइस को देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है दोस्तों। पंद्रहवा और लास्ट हमारा कंटेंट आइडिया होगा एनिमल एंड पेट्स। अब ये क्या चीज है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे क्या सभी लोगों को मैं मानता हूँ, जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना। अब सबका पसंद अलग अलग होता है, कोई डॉग से प्यार करता है, कोई बिल्ली से प्यार करता है, कोई बर्ड से प्यार करता है, सबका अलग अलग अपना अपना एक माइंड सेट है प्यार करने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये एक ऐसा निश है दोस्तों, ये वर्ल्ड वाइड निश है और ये हाई आरपीएम का निश है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा वीडियो से बनाते हो और आपका चैनल मोनेटाइज होता है, मान लो कि 1000 व्यूज पर किसी वीडियोज में किसी और कैटेगरी में $1 बन रहे हैं, इसमें कम से कम आपको $5 से $6 यहाँ पर आसानी से मिल जाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप डॉग्स को बना सकते हो, कैट्स को बना सकते हो, बर्ड्स को बना सकते हो, जिस तरीके से top 5 खतरनाक डॉग्स, ठीक है ना, top 10 खतरनाक डॉग्स, या फिर उनकी स्टोरी, कैट स्टोरी, डॉग्स की स्टोरी, कुत्ते की स्टोरी जो होती है, ये आप यहाँ पर बना सकते हो। साइड में आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो यहाँ पर आप जाओ यूट्यूब में, उस चीज को सर्च करो जो आप पसंद करते हो, जो आप सुनना पसंद करते हो, जो बनाना आप चाहते हो, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगता है, जाओ यूट्यूब में उसको सर्च करो, देखो कि लोग इसमें क्या कर रहे हैं यार, वहां से आइडिया लो, ठीक है ना। एक आदमी से आप यहाँ पर MBA की डिग्री नहीं ले सकते, ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल टीचर के पास जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉलेज में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, और स्कूल में जाना पड़ेगा, मतलब हर जगह से आपको ज्ञान लेकर के ही कोई एक्सपर्ट बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कभी मत सोचना कि मैं एक ही से बन जाऊंगा, जी नहीं, एक आपको आइडिया देगा, आपको रास्ता दिखाएगा, भाई ये करो और वो करो। अब यहां पर आपको दिमाग में आ गया कि वाकई में मैं ये कर सकता हूं, इसको बोलते हैं पहला इंसान पहला रास्ता दिखाना, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया कि भाई ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। आप जाओगे इंटरनेट पर, जाओगे उसको सर्च करोगे, भाई ये चीजें कैसे काम करती है, और यहीं पर आपके माइंड में घुस गया, बस आपने उस चीज को शुरू कर दिया और यहाँ पर आपको कामयाबी मिलने के चांस 100% रहता है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे दोस्तों ये थे top 15 ऐसे कंटेंट आइडियाज
जिस पर अगर आप वीडियोस बनाते हो तो एवरग्रीन आइडिया है, ठीक है ना। आज वीडियोस बनाते हो, आज अगर इसके अगर आपके वीडियोस पर 1000 व्यूज आते हैं तो आज के बाद 10 साल के बाद भी आपके उसी वीडियो पर सर्च से व्यूज आएगा 100%, क्योंकि मैंने ये ऐसा आइडियाज लिया है आपके लिए कि ऐसा नहीं है कि आज हमने वीडियो बनाया और कल तक चला परसों चला खत्म हो गया, जी नहीं। ये ऐसे आइडियाज हैं जिसमें हमेशा हमेशा के लिए व्यूज आता रहेगा। और यहाँ पर आप स्पॉन्सर से अर्निंग कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट से अर्निंग कर सकते हो, और अफिलिएट से अर्निंग कर सकते हो, खुद का प्रोडक्ट को लॉन्च करके भी अर्निंग यहाँ पर आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और अगर आप अपने लिए एक ऐसा अर्निंग सोर्स को ढूंढ रहे हो जिससे आप लाइफ टाइम तक अर्निंग कर सकते हो, लाइफ टाइम तक पैसा कमा सकते हो, तो मेरा इस वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताया है, इस एप्लीकेशन में एक रेफर करने के 500 रुपए मिल जाते हैं और 10 रेफर करने के पूरे के पूरे 5000 आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और ये एप्लीकेशन से आप लाइफ टाइम तक इनकम कर सकते हो और लाइफ टाइम तक पैसा कमा सकते हो। मतलब कुछ पता नहीं इसमें आपको 300 मिल जाए, 500 मिल जाए, 1000 तक मिल जाए, ठीक है ना। तो इस वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे अगली मुलाकात उसी वीडियो में करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।